सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रमेश टेकटॉक के एपिसोड में लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल का टेक न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूज़ जो फेसबुक की तरफ से आई है, फेसबुक ने कहा है कि अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेंजर लेकर आया है, लेकिन उनकी कोई आईडी नहीं होगी, वो पेरेंट्स के आईडी या कंट्रोल से चलेगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फेसबुक ने उस पर कोई एड्स नहीं आएगा, यानी पूरी की पूरी क्लीन होगी। जैसे कि हम मैसेंजर फेसबुक यूज करते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारे ऐड आती है, लेकिन ऐसे कंडीशन में ऐड नहीं आएगी। और एक फेसबुक एक बहुत ही बड़ी फीचर्स लेकर आने वाला है, उस फीचर का नाम है स्ट्राइक फीचर्स। यानी स्ट्राइक फीचर्स में क्या होगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि स्ट्राइक फीचर स्नैपचैट में पहले था, स्नैपचैट में पहले था, उसी फीचर को लेकर आया है। एक्चुअली इस फीचर में होगा क्या, मैं इसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। आप अपने फेसबुक पे आप बात करते हैं अपने फ्रेंड से, नहीं पता चलता कि मैं उस फ्रेंड से कितने दिनों से बात कर रहा हूँ, कितना टाइम बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें उससे पता कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से 5 दिन से बात कर रहे हैं, कितने घंटे बात किए, ये सारे डिटेल आप निकाल सकते हैं स्ट्राइक फीचर से। एक दूसरी फीचर और भी लेकर आने वाला है फेसबुक, को बहुत ही कमाल का है, वो है डिस्कवर फीचर। डिस्कवर फीचर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो है आईफोन में एक्चुअली अमेरिका में पहले आ चुका है, वो इंडिया में आने वाला है। एक्चुअली इस फीचर के अंदर क्या होगा कि आप जैसे ही अपना फेसबुक चलाते हैं, आप कोई बिजनेस मान लीजिए कि आपको कोई शॉप ढूंढनी है आपके नियर अबाउट, कोई भी शॉप हो या ग्रोसरी शॉप या स्वीट शॉप हो, ये सारे चीजें, या फिर आपको कहीं मॉल्स ढूंढना है या फिर कुछ भी KFC ढूंढना है, तो सारे आपको उसी पे मिल जाएगा। तो एक बहुत ही कमाल का दोनों फीचर्स आने वाला है और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एक्चुअली ये कितना यूजर के परफेक्ट। अगली न्यूज है व्हाट्सएप की तरफ से। जानते हैं कि व्हाट्सएप एक मैसेंजर है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज करने किए जाने वाला ये एक मैसेंजर है। एक्चुअली इस मैसेंजर में क्या होने वाला है कि जो हम ग्रुप में जो मैसेज करते हैं उस पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड में से आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे एक से बात नहीं करनी है, सिर्फ 3 से करनी है, तो आप एक अपने फ्रेंड को म्यूट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आने वाली है व्हाट्सएप पे, बहुत ही कमाल का ये फीचर्स है। जो अगली न्यूज है वो आधार कार्ड के लिए है। अब मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि आधार कार्ड आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी एक न्यूज आ रही है इसी के बीच कि आप आधार कार्ड को आप लिंक करवा सकते हैं घर बैठे बैठे, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। मैं उस कंडीशंस के बारे में पहले आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई हैंडीकैप है, सीनियर सिटीजन है, एनआरआई है, एनआरआई कहने का मतलब जो इंडिया में नहीं रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज आई है और 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कस्टमर केयर को फोन करके आपका जो UID यानी आधार कार्ड नंबर है उसको देना पड़ेगा। वो टेलीकॉम कंपनी आपको वेरिफिकेशन करेगी, 24 आवर के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज से आप पता कर पाएंगे कि आपका नंबर की वेरीफाइड हो गया है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। और लेकिन मैं आपसे, जो इंडियन है जिनके पास टाइम है वो आउटलेट जाए, देखिए कि यहाँ पर एक बायोमेट्रिक डिटेल ली जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि आप पर्सनली ज्यादा आप जाकर वहां से वेरिफिकेशन करवाएं तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज यू नो कि अगर बायोमेट्रिक डिटेल बहुत ही सिक्योर डिटेल होती है जिससे कि अपना अकाउंट नंबर भी लिंक होता है। तो देखिए अभी मैं तो यही कहूंगा कि अभी अगर आप दिसंबर में करवाना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट आउटलेट पर जाकर वहां ही करवाएं तो ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों आज का न्यूज यही थी, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।